सुनो ना, वीडियो अगर देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दो, ताकि मैं जब भी आऊं तुम्हें पता चल जाए। तो जमाई थे, उनके बेटी के जो पति हस्बैंड थे, उनका एंटरटेनमेंट पर्पस में ये बनाया गया था। यहाँ पे लड़कियों के नाच होती थी और यहाँ हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक्साइटो वीडियो, दिस इज योर होस्ट शान। आज कुछ अलग सा वीडियो होने वाला है। आज का वीडियो जो है, मैं आप लोगों को एक हॉन्टेड बागानबाड़ी में लेकर जा रहा हूँ। एंड तक देखिए वीडियो को। मैंने कभी भी आप लोगों को ऐसा नहीं कहा है किसी भी वीडियो पर देखते रहिए। ये एक हॉन्टेड बागानबाड़ी है, हिस्टोरिकल एंड अबंडेंट भी है। चलिए वीडियो को आगे जाके देखते हैं। ये रहा वो बागानबाड़ी। अब चलिए दिखाते हैं बागानबाड़ी अंदर जाने का रास्ता, कहाँ से पहुँचना है हमें। चारों तरफ जंगल बन चुका है। वैसे तो ये हॉन्टेड है ही, देखते कहाँ से मैं आगे जा सकता हूँ। चलिए आगे चल के देखते हैं। इट इज़ वेरी मच रिस्की। मैं तो बोलूँगा आप लोग यहाँ पे मत आओ, ठीक है। अगर आते हो तो एट योर ओन रिस्क। कभी भी मत कहिएगा कि एक्साइटोपीडिया का वीडियो देख के आया हूँ या फिर ऐसा कुछ। देख लीजिए ये नज़ारा। यहाँ आज से तकरीबन 4 साल पहले मैं यहाँ आ चुका हूँ। तब इतना भी जंगल नहीं था यहाँ का। ये रहा वो बागानबाड़ी। ये तो पूरा तरह जंगल ही जंगल हो चुका है। अंदर कैसे जाऊँ यही मुझे समझ में नहीं आ रहा। चलिए जाके देखता हूँ चाहता हूँ तो। विंटर सीजन है, सांप का खतरा शायद नहीं है, लेकिन कुछ इंसेक्ट्स हो सकता है या फिर बिच्छू और बहुत कुछ हो सकता है, उसी का डर है मुझे। ये सामने ना एक सीढ़ी हुआ करता था, लेकिन ये तो पूरा का पूरा जंगल से भर चुका है। 2020 है, साइड से अगर आगे बढ़ पाऊँ तो शायद हो जाएगा। अंदर जाना शायद पॉसिबल होगा मेरे लिए। देख लो एक बार, ये देखिए। आज से 4 साल पहले जब मैं यहाँ पे आया था तब ये एकदम से ठीक था, बहुत ही ठीक ठाक था। ये रहा इस बागानबाड़ी का नज़ारा। कहाँ से मैं आया देख लीजिए। अंदर आने का कोई भी रास्ता नहीं है। पहले जब मैं यहाँ आया था यहाँ पे सीढ़ी हुआ करता था, मतलब अभी भी सीढ़ी है, लेकिन ऐसा जंगल नहीं था यहाँ पे। मैं अपना हेलमेट पहन लेता हूँ, अगर कुछ भी होता है तो। रॉबर्ट क्लाइव के हाउस में जैसा हुआ था, ऐसा अगर कुछ हादसा होता है तो मेरे साथ, तो मैं ठीक ठाक रहता हूँ। चलिए हेलमेट पहन लिया है मैंने। नज़ारा देख लीजिए एक बार। ये हॉन्टेड बन चुका है। बाद में मैं आप लोगों को बताता हूँ इसके पीछे का हिस्ट्री क्या है। मुझे आज भी याद है, मैं उस रास्ते से आया था 4 साल पहले। लोगों का मानना ये हॉन्टेड है। चलिए चारों तरफ का नज़ारा एक बार आप लोगों को जल्दी से दिखा देता हूँ। ज़्यादा टाइम मैं यहाँ पे नहीं दे सकता। पहली बात तो ये पुलिस कॉलोनी है यहाँ, मुझे इसीलिए ज़्यादा टाइम नहीं रहना। कुछ अगर हो जाए तो
के लखनऊ में नहीं आना, उनका हाल देखिए। पर जाने की कोशिश करके देखूंगा एक बार, पहले इस रास्ते का देखूँ वहाँ पे क्या है। जब भी रखूंगा ये नीचे गिर जाएगा, नहीं ले सकता मैं ऐसा रिस्क। ठीक है, चारों तरफ देख लिया आप लोगों ने, ये देखिए ये एक जगह है। इस जगह में मैं आता हूँ, इससे पहले आप लोग एक बार ऊपर में जाने का जो जगह है वो आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। चारों तरफ जंगल है, तो बहुत ही भयानक हो चुका है। देखा आप लोगों ने ये हॉन्टेड क्यों है, मैं आगे बताता हूँ आप लोगों को, इसके पीछे का हिस्ट्री भी सब कुछ बताता हूँ, बने रहिए मेरे साथ और आगे दिखाता हूँ। कलकत्ता के अंदर ऐसा नज़ारा, ऐसा हॉन्टेड हाउस शायद ही आप लोगों ने देखा होगा कभी। ठीक है, व्यूअर्स यहाँ पे आप लोग पहले आ चुके हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं मुझे। YouTube में बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है, लेकिन इतना डिटेल में शायद ही देखा होगा आप लोगों ने। जबकि एक बार देख लेता हूँ मैं, डर तो काफी लग रहा है मुझे, काफी डरा हुआ हूँ। वैसे कोई बात की डर नहीं, कहीं कहीं से कुछ टूट फूट ना जाए इसी का डर है। हॉन्टेड है, भूत वगैरह ये सब से डर नहीं लगता मुझे। देखिए नीचे का रास्ता, एक बार देख लेते हैं, चमकदार हो सकता है अंदर। हिस्ट्री में जल्दी से आप लोगों को बता दूँ, ये देखिए आप लोग मैंने किस तरह से अपना ट्राईपॉड को यहाँ पे फिक्स किया है। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को जो बताने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि ये जो हवेली है ये हॉन्टेड हवेली है, ये कलकत्ता के अंदर डानलॉब जो है, डानलॉब एल 9 पुलिस कॉलोनी के अंदर ये हवेली है। और एक बात मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा, प्लीज़ यहाँ पे अभी आप लोग मत आइए। एक साल पहले तक ये हवेली, ये हॉन्टेड जो बागानबाड़ी है, हवेली तो नहीं कह सकता, ये जो हॉन्टेड बागानबाड़ी है वो आने के लायक था।
लेकिन अभी ये आने का एकदम लायक नहीं रहा है। चारों तरफ जंगल है और विंटर है, इसीलिए मैं थोड़ा बहुत रिस्क ले सका कि यहाँ पे मैं आ जाऊँ। तो यहाँ पे आने के लिए आप लोग एक बात ध्यान में रखिएगा, अगर आते भी हो आप लोग तो यहाँ बाहर का जो रास्ता है उस रास्ते से आप लोग देखकर चले जाओ, हवेली के अंदर आने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया है कि ये हवेली जो ये बागानबाड़ी जो है वो रानी राशमोनी के जो जमाई थे, उनके बेटी के जो पति हस्बैंड थे, उनका एंटरटेनमेंट पर्पस में ये बनाया गया था। यहाँ पे लड़कियों के नाच होती थी और यहाँ से जो जिन लोगों के साथ वो लोग अपना मनमानी नहीं कर पाते थे उन लोगों को यहाँ अंदर दफना देते थे, या फिर अंदर जो मैंने आप लोगों को दिखाया कहा जाता है कि उसमें पहले शेर होता था तो वहाँ शेर के मुँह में डाल देते थे। लेकिन हिस्ट्री गुजर गया, वक्त भी गुजर गया, लेकिन ये हवेली वैसे खंडर ही रह चुका है वक्त बदलने के साथ साथ। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूँ, ये इसीलिए हॉन्टेड कहा जाता है, जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि यहाँ पे बहुत सारा सुसाइडल अटेम्प्ट भी हो चुका है। आसपास के लोगों का मानना ये है या फिर कहते हैं वो लोग कि यहाँ पे रात को तरह तरह के आवाज़ सुनाई देता है, लड़कियों के रोने का आवाज़ या फिर किसी के चीखने का आवाज़ ये सुनने में आता है। तो इसीलिए मुझे यही जगह एक्सप्लोर करना था, मैं ये जगह देख चुका हूँ। और आगे का जो नीचे का जो वीडियो क्लिपिंग है एज आई सेड बिफोर वो क्लिपिंग मैं जोड़ दूँगा, अगर वो बंगाली में है तो प्लीज़ आप लोग कोऑपरेट कीजिए बंगाली समझने की। लेकिन मैं ये आप लोगों को दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो आप लोगों को अच्छा लगेगा, ज़रूर अच्छा लगेगा, ठीक है। निकलता हूँ मैं अभी आप लोगों यहाँ से। আমার বন্ধু এইটা সেই সুরঙ্গটা যেটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, এই সুরঙ্গটা একেবারে দক্ষিণেশ্বর কানেক্টর, এই সুরঙ্গটাই দক্ষিণেশ্বর কানেক্টর। সাপের কত কি জানি না, বাট আমি দেখছি নামছি বেরোচ্ছি আস্তে আস্তে।
বলছি। इतनी ज़्यादा रिस्क लेके मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को दबा के लाइक दे दीजिए, प्लीज़ 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 शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, उन लोगों को भी देखने का, ये हॉन्टेड बागानबाड़ी देखने का एक मौका दीजिए। प्लीज़ कमेंट करके बताएं कैसा लगा ये हॉन्टेड बागानबाड़ी का नज़ारा, और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए। ऐसे नए नए हॉन्टेड विला या फिर टूरिंग वीडियो पर मैं वीडियो लाता रहता हूँ, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगेगा। सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, उसके बाद ऑल को सिलेक्ट कर दीजिए ताकि मैं जब भी नया वीडियो लाऊं आप लोगों को पता चल जाए। मिलता हूँ नेक्स्ट किसी टूरिंग वीडियो पर, टिल देन दिस इज योर होस्ट शान, बाय बाय।